पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आकाश और ऐश्वर्या, आज के यह दिन ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ दिन है और आज के इस दिन में आप विवाह के पवित्र संस्कार को करके एक पति और पत्नी बन जाएंगे। आज एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब हम इस चर्च में प्रवेश करते हैं, मैं कलीसिया की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपके रिश्तेदारों का, परिवारों का, और साथ ही साथ आप सभी के लिए और विशेष करके आकाश और ऐश्वर्या के लिए हम इसमें सब बलिदान में सब प्रार्थना करें ताकि इनका वैवाहिक जीवन में ईश्वर की आशीष निरंतर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्थल में तुम्हारी सहायता करता रहे और सियोन से तुम्हारी रक्षा करे, वह तुम्हारे हृदय की अभिलाषाएं पूरी करके तुम्हारी सारी योजनाएं सफल बनाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबो को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आकाश और ऐश्वर्या के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज से पहले वे एक दूसरे से एक इंडिविजुअल थे, एक व्यक्तित्व थे, अलग अलग थे, लेकिन आज इस गिरजाघर के बाद मिसमिसा बलिदान के बाद वह अकेले नहीं बल्कि एक पति पत्नी के रूप में देखे जाएंगे। आइए हम सब उनके लिए प्रार्थना करें ताकि इस विवाह संस्कार जो वो ग्रहण करने वाले हैं,
इस विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर उन्हें कृपा दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें या बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि अपने वैवाहिक जीवन को वह इस प्रकार से बिताए जिस प्रकार ईश्वर उनसे चाहता है, और अपने इस विवाह के व्रत को, अपने इस विवाह के प्रॉमिसेस को वह निरंतर अपने दैनिक जीवन में निभाए, और जिसके कारण वह अपने वैवाहिक जीवन से पवित्र बने और ईश्वर के सच्चे शिष्य कहलाए। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने मन की जांच करते हुए अपने सारे पापों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मानव जाति की रचना करते समय तूने चाहा कि नर नारी शरीर तथा मन से एक हो जाए। ये वर वधु विवाह संस्कार में एक होकर प्रेम के अटूट बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी कृपा से इनका प्रेम फलप्रद होता रहे और ये मनुष्यों के सामने क्रिस्तीय प्रेम का साक्ष्य देते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतु पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसे अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
stand for the gospel acclamation. Another, God will live in us and His love will be complete in us. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Prabhu aap logon ke saath ho. और आपकी आत्मा के सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और विशेष करके आकाश और ऐश्वर्या, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन आप दोनों के लाइफ में है। बहुत दिन से तैयारी करते हुए आप आज हम पर पहुंच गए और अभी आप इस ईश्वर के घर में हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण समय आपका, वो आप ईश्वर के सामने आप एक दूसरों को वाउस एक्सचेंज करने वाले हैं और ये समय बिताने वाले हैं। बहुत लोग अलग अलग जगह में अपने शादी मनाने के लिए सोचते हैं, अलग अलग जगह में जाकर अपना रिकॉर्ड मनाते हैं कहां पर शादी मनाए, लेकिन आप दोनों ने यह गिरिजा और अपने नागपुर की सबसे सुंदर गिरिजा आपने चुना है। थोड़े दूर से आए हैं मनकापुर से, लेकिन सुंदर गिरिजा आपने यहाँ पर आपने चुना यहाँ पर शादी करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये प्रभु का घर है और प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। ये शादी प्यार का संस्कार है, सात संस्कार है प्रभु यीशु ने हम सबों को दिया। इसमें जो विवाह और शादी प्यार का संस्कार है। शुरुआत में फादर नवनीत ने जो प्रार्थना आपको पढ़ी, जो शुरुआत का प्रार्थना, वहां पर प्रभु यीशु से ये प्रार्थना था कि आकाश और ऐश्वर्या आज ये प्यार के अटूट बंधन में एक वो जाने वाले हैं, ये ख्रिस्त के साक्षी बने जिन्होंने
अपनी कलीसिया से प्यार किया. योर लव रिसेंबल्स द लव ऑफ क्राइस्ट टू द चर्च. कैसे प्रभु येसु ने अपने कलीसिया का प्यार किया हम देख सकते हैं. प्रभु येसु ने अपना प्यार प्रकट किया. कितना भी तिरस्कार उन्हें मिला, प्रभु येसु को तिरस्कार अपने परिवार से मिला, अपने शिष्यों से मिला, अपने लोगों से मिला जहां पर उन्होंने चमत्कार और कार्य किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे. जो लोगों से प्यार करने के लिए वो स्वर्ग उतरकर इस धरती पर आए थे, उनसे प्यार करने के लिए आगे बढ़े और अपने लोगों से प्यार किया. लोग ईश्वर से दूर होने लगे अपने पापों के कारण और ईश्वर को विरोध करते कारण, लेकिन यीशु ने लोगों को नहीं छोड़ा, उनसे प्यार किया और इस तरफ अपना प्यार पूरे जगत को उन्होंने दिखाया क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाते हुए. और ये प्यार का संकेत बनकर और ये प्यार के साक्षी बनकर आप दोनों आज ये नया परिवार बनाने वाले हैं, जहां पर एक दूसरों को आप हमेशा एक दूसरों के लिए रहेंगे, एक दूसरों की कमी देखकर फिर भी एक दूसरों को समझाते हुए आप अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे. इसलिए ये सैक्रामेंट के द्वारा, ये संस्कार के द्वारा आपको आज ईश्वर की कृपा भी मिल रही है, ताकि एक दूसरों की जो कमी है उसको आप देख सके और उसके साथ सह सके. यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स वीकनेस एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज वन ईज. इसलिए आज आप कैसे भी बताए, मैं आकाश बताएंगे, मैं अलग अलग तरीका से ऐश्वर्य को मिला, अंत में मैंने हाँ कहा और ऐश्वर्य भी बताएंगे कौन से तरीका में आकाश को मिला. लेकिन सबसे पहले आप दोनों को ईश्वर ने एक किया है, ये ध्यान में रखिएगा. जो पहला पाठ आज आपने आकाश ने पढ़ा था, सबसे पहला बुक से है बाइबल का, उत्पत्ति ग्रंथ से, जहां पर नर नारी बनकर ईश्वर ने उनको रचा, आदम और एवा को, और उनको उन्होंने आशीष दिया और ये दोनों उनके प्रतिरूप में थे, ईश्वर के प्रतिरूप में, और ईश्वर को ये दोनों अच्छे लगे. आज आकाश आप ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं तो ऐश्वर्या आप भी प्रतिरूप का, ईश्वर का प्रतिरूप है और आकाश भी ईश्वर का प्रतिरूप है. आप दोनों में कुछ कमी नहीं है, ईश्वर ने आप दोनों को चुना है, आप दोनों ईश्वर के लिए अच्छे लगे. यही आज का पहला पाठ में हमने सुना, ईश्वर को आप दोनों को देखते हुए अच्छे लगे, सुंदर लगे और ईश्वर को आप पसंद आए तो आप एक दूसरों को भी पसंद आएंगे. आप में कुछ भी कमी है ईश्वर जानता है, फिर भी ईश्वर को आप पसंद लगे तो आज एक दूसरे भी आपको पसंद होने वाले हैं. और ये शादी यहाँ पर इसलिए आप दोनों के बीच में नहीं, यहाँ पर और एक व्यक्ति है और वो है हमारा ईश्वर. दिस मैरिज इज बिटवीन द थ्री नॉट टू. और ये तीसरा वो ईश्वर आपके बीच में जो है हमेशा आपके साथ ही रहे, ताकि आपके जीवन में एक दूसरों को स्वीकार करने के लिए आपको कभी दिक्कत ना लगे. यू मे नॉट फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ईच अदर बिकॉज गॉड विल स्ट्रेंथन यू विद द ग्रेस ऑल दैट इज नेसेसरी टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल एवरी डे यू नीड टू invite Jesus into your life. When you invite Jesus into your life becomes beautiful and joyful. Prabhu Yeshu ek shaadi mein gaye the, kaam par gaye the, khana vivah mein. Wahan par anguri kam pada, wine. Wine was consumed aur anguri ko isliye lete the taki wo aanand mein wahan par wo log baagi ho sake. एक दोस्त
सब लोग जो रिश्तेदार वहां पर आते हैं वो ब्राइडग्रूम और ब्राइड के आनंद में बागी हो सके। और प्रभु ने उनका आनंद में कुछ कमी नहीं लाई। जब अंगूरी कम पड़ा, प्रभु ने उनको आशीष दिया और वहां पर उनके आनंद और भी बढ़ते गया। प्रभु यीशु को आप अपने लाइफ में स्वीकार करने के समय प्रभु यीशु आपके जीवन में और भी आनंद से भर देगा। और वो आनंद जैसे काना विवाह में अंगूरी कम नहीं पड़ी, वैसे ही ये आनंद आपके जीवन में कभी कम नहीं पड़ेगा। आज आप दोनों इस शादी के एक स्कूल में एंट्री कर रहे हैं। आप दोनों एक साथ आज पढ़ने वाले हैं। तो आकाश, क्या पढ़ने वाले हैं आप शादी के बाद? शादी में आज आप एंट्री हो रहा है आपका एडमिशन, तो आप एक दूसरों के साथ बहुत सारे चीज पर सीखने वाले हैं। यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम टुडे। यू विल लर्न फॉरगिवनेस, यू विल लर्न फॉरगिवनेस, यू विल लर्न लव। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई सेड मैरिज इज अ सैक्रमेंट ऑफ लव। यू विल लर्न हाउ टू लव ईच अदर, हाउ टू लव ईच अदर एज अ पर्सन इज, नॉट एज यू वॉन्ट, नॉट एज यू वॉन्ट, as the person is, you will accept that person and love that person. That you will learn in this school of marriage. You will learn forgiveness. एक दूसरों को क्षमा करने के लिए आप आज सीखेंगे। आपके जीवन में बहुत समय आएगा, बहुत सारे समय आएंगे जब आप एक दूसरों के प्रति कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरों को क्षमा करते हुए आगे बढ़ेंगे आपके लाइफ में। ये आप अपने ये शादी के इस स्कूल के द्वारा आप सीखेंगे। यू विल लर्न फॉर केयरिंग फॉर ईच अदर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर पार्टनर, ऑल्सो कंसर्न फॉर ईच अदर, दैट इज द वाउ दैट यू आर टेकिंग इन टाइम्स ऑफ जॉय एज वेल एज सोरो। यू विल बी टुगेदर, सो यू विल बी शेयरिंग द जॉयस एज वेल एज द सोरो। यू विल बी रेडी फॉर योर पार्टनर, and this is what you will learn, and that entry to the school that you are taking where you will learn all these things. So the bedrock that is required for to keep your marriage life strong is what you are into construction. So what is the first thing that you do to build a house? Foundation. Yeah, so foundation, stronger the foundation, the strong is your building. You need not worry when it rains or when there is a wind. So you will believe in the foundation that you have put. So prayer has to be the foundation of your married life. So if your prayer life is strong, you need not worry about anything happens. You need not worry about any other couple that is fighting around your house. You need not worry about any comments people make about you. You need not worry about any person talking about the weaknesses that you both have. You can be strong enough in your married life if you make prayer life as the foundation. So prarthana ko sabse apna foundation karke apna shaadi ke life mein foundation karke jo rakhte hain wo parivar hamesha sukhi rehta, aanand mein rehta. To isliye never miss your family prayer. Never miss your family prayer. Come together. Find some time to come together and pray to the Almighty who strengthens your married life. Do not forget the Lord who chose you, who united you on this day, and who fills you with the grace that is necessary for your life. I wish Aishwarya and Akash best of luck, and I pray and I request all the people to pray for this couple that they may be strengthened in their weaknesses. May the Lord be a strong guide in their married life. Akash aur Aishwarya, aapne Ishwar ka vachan suna hai. Iske dwara Ishwar ne हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं
कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे ऐश्वर्या और आकाश, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। जोर से। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसीलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे ऐश्वर्या, मैं आकाश आपको अपना पत्नी मानता हूँ और ये करार करता हूँ जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे आकाश, मैं ऐश्वर्या आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। हे ईश्वर, तेरे ही वचनों से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है, इन आभूषणों को अपनी आशीष प्रदान कर कि वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों के परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे ऐश्वर्या, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। आकाश, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरी प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए।
आकाश और ऐश्वर्या, मैं आपको आज से पति पत्नी घोषित करता हूं। हम तालियां बजा के ईश्वर को धन्यवाद। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए द्वारा, जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ा रखा।
ताकि पवित्र आत्मा के विवाह से विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तो अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इसकी दुगनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। Thank you.
विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे सन पीटर फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्यों से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरे ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे पापों को माफ कर जैसे हम भी अपने पापों को माफ करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु हमें से बचा। प्रिय भाइयों बहनों, हम विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना करें। क्रिस्त में विवाहित इन वर वधु पर ईश्वर दया करे और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हम मौन रूप से दोनों के लिए कुछ देर प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगनी नियुक्त किया ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतना महान संस्कार से पवित्र किया कि विवाह के विधान में तू क्रिस्त तथा उसकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्व आभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उन्हें ऐसी आशीष दी
जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविका पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उढ़ेल और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री ऐश्वर्या प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों की अनुसरण करती रहे जिसकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इसका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागी समझकर इनका समुचित सम्मान करे, वह इनको सदा वैसा ही प्रेम करे जैसे क्रिस्त अपनी कलीसिया को प्रेम करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे, यह अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करे, ये सुसमाचार की शक्ति से सुदृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने, ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वांछित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच पाए, या वर्दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पे नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें अपने आजू बाजू बैठे सभी को, हम जय शुभ। ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Thank you.
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वरवधु को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कृपया 2 मिनट बैठ जाइए। आकाश वुड लाइक टू, आप लोगों को 2 शब्द कहना चाहता है। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक्स ऑल द फादर्स, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स, ऑल माय रिलेटिव्स, thanks for your prayers and for your supports, such a wonderful choir, thanks brother, and we really want your blessings and your humble prayers for our future life, thank you. Prabhu aap logo ke saath ho, aapki aatma ke saath। वरवधु आशीष के लिए सर झुकाए। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे, आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सबको, आप सब लोगों को साथ सच्ची शांति का अनुभव करे, आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें, आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Shower.